फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मेरे ज्वेलरी कलेक्शन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे दो पार्ट आ चुके हैं ज्वेलरी कलेक्शन का। फर्स्ट ज्वेलरी कलेक्शन और दूसरा था इयर रिंग कलेक्शन। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो आज जो मैं ज्वेलरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, देखिए मैं ज्वेलरी कलेक्शन के साथ साथ उसको ऑर्गेनाइज कैसे करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। देखिए जादू का पिटारा है ये, इसमें बहुत पहले पहले के ज्वेलरी कलेक्शन मेरे पास रखे हुए हैं। तो पहले तो आप देखिए इस ऑर्गेनाइजर को, देखिए ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजर है। देखिए अच्छा, ये बहुत पुराना है तो शायद यहाँ से निकल गया है ये, कोई बात नहीं, लगा लूंगी मैं अभी। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजर हैं, ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे मिल भी जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और अगर आप लोकल मार्केट से खरीदना चाहें तो वहां से भी खरीद सकते हैं, वहां भी ये ऐसे इस टाइप के ऑर्गेनाइजर अवेलेबल हैं। तो मेरा पहला पार है, इस पिटारे में से निकला है ये इयर रिंग, देखते हैं कैसा है। खुल जाइए, खुल जाइए, जिपलॉक पैक में है, बड़ा ही क्यूट सा है इयर रिंग है ये, वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा लगता है। बहुत ही प्यारा है ये, इस ये अच्छा देखिए, ये ऊपर जो है सिल्वर फिनिश है और यहाँ नीचे गोल्डन फिनिश है, ठीक है। तो ये आज के पिटारे में से फर्स्ट निकला है, इसको फिर से व्यवस्थित रख देते हैं। देखिए किसी भी चीज को आप यूज कर रहे हैं तो उसको व्यवस्थित रखना जरूरी होता है, सही तरह से रखेंगे तो आपको एंड टाइम पे आपको जब जरूरत होगी तब वो काम आएगा। अच्छा ये सेकंड में क्या है, खुल जाइए, ओहो इसमें बहुत ही प्यारी सी ये चेन है। ओके चलो अभी फिलहाल इसको मैं डाल लेती हूँ। ये देखिए ये आपके, आप इस तरह से मेरी तरह साड़ी पे भी पहन सकते हैं, और ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है, वेस्टर्न ड्रेस के साथ अगर आप इसको पहनना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। ओ ओ तो ये है बहुत सी प्यारी सी एक चेन, इसको कई तरह से यूज कर सकते हैं, एज ए ब्रेसलेट यूज कर सकते हैं, एज ए नेकलेस यूज कर सकते हैं, और बहुत सी यूज है, आने वाले वीडियो में ट्राई करके देखूंगी, ठीक है। तो इसको भी हम वापस से रख देंगे इसके अंदर, ये रख दिया, ठीक है। हे हे हे, ये देखिए ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, इयररिंग है, इस पे ये मल्टी कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, कैसे लग रहे हैं? ये मल्टी कलर पर्ल्स है, जो इससे क्या फायदा होगा, ये इसको किसी पे भी पहन सकते हैं, मतलब किसी भी ड्रेस के साथ, अगर मैंने इस साड़ी के साथ ही पहन लिया तो भी अच्छा लगेगा, ये ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, वेस्टर्न के साथ, इंडियन के साथ, एथनिक लुक, व्हाटएवर जो आप चाहते हैं। तो ये देखिए बड़ा प्यारा सेट है ये, तो ऐसे अगर आप चाहें तो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, ऑक्सीडाइज प्लस मल्टी कलर्स पर लगे हुए इस पे, तो किसी ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। फिर है, इसको धीरे से खोलते हैं, ये देखिए ये ब्लैक, गोल्डन ब्लैक, ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो साड़ी के साथ ही बहुत अच्छा लग रहा है। आप मैक्सी ड्रेस पहनिए, शॉर्ट ड्रेस पहनिए, जो पहनना चाहे उसके साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, इस टाइप के कलेक्शन में आप रख सकते हैं, ये बहुत ही स्टनिंग लगेंगे। इस टाइप का आप
मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, अगर आप चाहें तो इस तरह से आप अपने स्टोर से या ऑनलाइन जो भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा है ये, देखिए आप खुद ही देखिए। सो ये हो गया, इसको भी हम रखते हैं। अगेन 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 अगेन, इस पिटारे में से और क्या निकला है? इस पिटारे में से निकली है ये ऑक्सीडाइज इयररिंग। अच्छा, ये इयररिंग्स काफी पहले की है, इसका नीचे का गिर गया है, वो मैं अटैच कर लूंगी। ये देखिए, तो ये है, बहुत ही प्यारी है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, ब्लैक इयररिंग है, ब्लैक और मिरर वर्क का काम हुआ है। ठीक है, इसका नीचे का निकल गया, कोई बात नहीं, मैं लगा लूंगी, डोंट वरी। इस तरह से छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी सी हैं इयररिंग्स मेरे पास। ये देखिए, ये अलग है, ये देखिए। कई बार क्या होता है, हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो हम बिल्कुल लाइट वेट पहनने का मन करता है, ये उस टाइप की ज्वेलरीज है। ये देखिए, इसका पैर है ये, ठीक है। एंड ये देखिए कितनी प्यारी छोटी सी इयररिंग है, छुटकू सी इयररिंग है, देखिए कितनी प्यारी है। ओके देन, ये देखिए कैसा लगा आपको ये इयररिंग। इसका एक पैर शायद इसी में कहीं होगा, मिल गया, ठीक है। कैसा लग रहा है? ये जो है ये ब्लू है और ये गोल्ड की आउटलाइन है इसमें, ठीक है। तो ये है इयररिंग। इस टाइप के इयररिंग्स भी आप वेस्टर्न में पहन सकते हैं, इंडियन में पहन सकते हैं, किसी भी कपड़े के साथ पेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये एथनिक के साथ बहुत ही बढ़िया लगेंगी, साड़ी के साथ, ड्रेस के साथ, कुर्ता सेट के साथ, सबके साथ। तो आप इस तरह की इयररिंग्स अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। इसके साथ के ही हैं ये वाले, ये ऑरेंज कलर के हैं, पर्ल लगे हुए हैं इसके अंदर, ये भी ऑरेंज कलर के हैं, देखिए कितने बढ़िया हैं। सो बहुत अच्छे हैं ये भी। नेक्स्ट वन क्या है? ये देखिए कितने प्यारे इयररिंग हैं, ये देखिए ब्लू कलर के हैं, फिर ये वाली इयररिंग्स हैं,
मतलब आप देख रहे हैं इस मेकअप, इस ऑर्गेनाइजर में कितने सारे इयररिंग्स हैं, कब से रखी हुई हैं, जो कभी पहनती हूँ कभी नहीं। ठीक है, और ये देखिए, फ्रेंड्स आज का जो इयररिंग कलेक्शन का जो वीडियो था वो अभी मैं यहीं एंड करती हूँ, और अभी इसका पार्ट थ्री, क्योंकि पार्ट वन पहले आ चुका है तो ये पार्ट टू था, पार्ट थ्री आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।